दोस्तों राजस्थान की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में आरसीबी समेत मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका। अगर ये दोनों टीमें नहीं जीती मैच तो हो जाएंगी बाहर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि राजस्थान की पंजाब के ऊपर बड़ी जीत के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और कौन सी टीम आईपीएल की रेस से बाहर हो चुकी है। जहाँ दोस्तों पहले बात करें आईपीएल के 66 मैच खत्म हो जाने के बाद इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे या फिर यूं कह लें कि कौन सी टीमें आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं, तो इनमें हैदराबाद, दिल्ली और पंजाब की टीम शामिल है। ये तीनों ही टीमें आईपीएल की रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो दोस्तों कलकत्ता 7वें नंबर पर है और दोस्तों इनका भी आगे जाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों इनको आखिरी मैच खेलना है और वो मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंचेंगे और इनकी नेट रन रेट भी बेहद ही खराब है। तो दोस्तों 6ठे नंबर पर मुंबई की टीम है। दोस्तों मुंबई की टीम ने 13 में से 7 मैच जीते हैं और उनके 14 पॉइंट है। ऐसे में मुंबई को अपना आखिरी मैच किसी भी हालत में जीतना होगा और दोस्तों उनकी नेट रन रेट को आरसीबी से बेहतर रखनी पड़ेगी, तब जाकर ही मुंबई की टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। या फिर चेन्नई या लखनऊ की टीम अपना आखिरी मैच हारे और मुंबई की टीम अपना आखिरी मैच जीते, तब जाकर वो प्लेऑफ में जाएगी। तो दोस्तों 5वें नंबर पर राजस्थान की टीम है। दोस्तों राजस्थान ने 14 में से 7 मैच जीते हैं और उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। जहां दोस्तों अगर राजस्थान की टीम को प्लेऑफ में जाना है तो दोस्तों आरसीबी और मुंबई की टीम को अपना आखिरी मुकाबला हारना पड़ेगा। और दोस्तों आरसीबी की टीम अगर बड़े अंतर से हारती है तो तब जाकर राजस्थान की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। ऐसे में दोस्तों इस समय राजस्थान की टीम प्लेऑफ के लिए पूरी तरह रेस में बनी हुई है अगर मुंबई और आरसीबी की टीम अपना आखिरी मैच हारती है तो। तो दोस्तों 4थे नंबर पर बेंगलोर की टीम है। दोस्तों बेंगलोर ने 13 में से 7 मैच जीते हैं और उनके 14 पॉइंट है। ऐसे में दोस्तों अगर आखिरी मैच बेंगलोर की टीम जीत जाती है तो वो आराम से प्लेऑफ में पहुंचेगी। तो दोस्तों 3रे नंबर पर लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ ने 13 में से 7 मैच जीते हैं और एक मैच ड्रॉ होने की वजह से उनके 15 पॉइंट है। ऐसे में वो अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो आराम से प्लेऑफ में जाएगी। और दोस्तों चेन्नई का हाल भी बिल्कुल सेम टू सेम लखनऊ जैसा है। तो दोस्तों सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस है। दोस्तों गुजरात ने 13 में से 9 मैच जीतकर उनके 18 पॉइंट है और वो इस आईपीएल की सबसे पहली टीम बनी है प्लेऑफ में जाने वाली। ऐसे में दोस्तों गुजरात ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऐसे में दोस्तों 5 टीमों के बीच प्लेऑफ की जंग जारी है और इन 5 में से 3 टीम प्लेऑफ में जाएगी। ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।